क्या नूरजहां बोल रही है? यूं रात मेरे खोल रही है। पंछी को लाकर दिल मेरा चुरा कर, पंछी को लाकर दिल मेरा चुरा कर, दीवाना बना कर फिर हुस्न के मिजान में दिल तोड़ रही है। एक हाथ में जुल्फे तेरी, एक हाथ में सावर, एक हाथ में जुल्फे तेरी, एक हाथ में सावर, मैं इश्क का काबा बनूं, मैं हुस्न का मंदिर, मैं इश्क का काबा बनूं, मैं हुस्न का मंदिर, फिर हिंद को, फिर हिंद को हम प्रेम का पैगाम सुनाते, रूठी हुई पर्दा को हम फिर से मनाए, रूठी हुई पर्दा को हम फिर से मनाए, इंसान को इंसान से आजाद कराए, इंसान को इंसान से आजाद कराए, पंछी उड़ जा पंछी, हर गुल पे हुस्ने नूर जहाँ से निखार है। तुम मेरे पास हो तो चमन में धार है। गुर्बत की बेकसी में बहारों से फायदा, रागीर हूँ अजीजों की महफिल से दूर हूँ, खोया गया हूँ राह में मंजिल से दूर हूँ। खिलवत में शह के आने की जुर्रत हुई तुझे? है किसके रूबरू यह मालूम भी तुझे? हो ऐसा हुस्न जलवा फिगन जिसके सामने, क्या जाने वो गरीब कह किसके सामने। शोखी अगर नहीं मलका से तो क्या है ये? बदबख्त तेरी बेदबी की सजा है ये। दिखाना तो जरा ये पिस्तौल। आए है, सारा खेल मिट्टी में मिला दिया। अरे तुम्हें यहाँ मरकर गिर पड़ना था। इस टके के पिस्तौल से जिससे कुत्ते बिल्ली तक का मरना बेइज्जती मालूम हो, मैं नहीं मरती इस पिस्तौल से। तो खेल ही तो रहे हैं, खेल में दिखावे की सब चीजें ऐसे ही इस्तेमाल की जाती हैं। तो दिखावे की सब चीजें मेरे ही वास्ते रह गई है। ये अच्छा खेल रहा कि खुद तो दोनों जहांगीर और नूर जहां बन बैठे, रेशमी कपड़े भी पहन लिए, जेवर भी लाद लिए और अपने बेटे को कालीन और तकिए भी ला रखे, और मुझे क्या बनाया राहगीर। पहनने को ये चीथड़े दे दिए, लगाने को ये बकरे की सी डारी और उठाने को ये मैली गठरी। मैं नहीं खेलती ऐसा खेल। नहीं खेलती तो ना खेलो, भाग जाओ यहाँ से, हमेशा कोई ना कोई फितना खड़ा कर देती है। ये बात है, ठहर तो जाइए, अभी जाके सब बातें अम्मी जान से कहती हूँ। क्या कहोगी अम्मी जान से? कहूंगी खेल में अनवर भाई खुद तो बने हैं जहांगीर और जीनत आपा को बना रखा है अपनी नूर जहां, दोनों शादी से पहले ही मियां बीवी बन बैठे। हाय हाय, सुनो तो नजमा, तुम तो एक जरा सी बात में दिया सलाई की तरह सुलग उठती हो, बताओ तो चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि मेरे मारने के लिए असली पिस्तौल आए। मगर ये तो बताओ असली पिस्तौल है कहाँ? मुझे मालूम है, अब्बा जान की मेज की दराज में। अगर असली पिस्तौल आ भी गया
तो उसके लिए नकली गोलियाँ कहाँ से आएंगी बेगम साहिबा? सॉल मैं लाती हूँ, नकली गोलियाँ बाजार से आप लें। अच्छी बात, तो जाओ पहले जाकर तुम पिस्तौल लाओ। अब्बा मियां। कौन नजमा बेटी? अब तक काम कर रहे हो आप, जब भी तो आपको दवाएं पीनी पड़ती हैं। तो तुम चाहती हो तुम्हारी तरह मैं भी खेलता रहा करूं? मैं नहीं करने दूंगी इतना काम। उठिए मेज पर से, जाइए थोड़ी देर बाग में टहलिए, उठिए ना। ओह मेरी मुन्नी सी नजमी, इतना ख्याल रखती है मेरा, मगर क्या करूं बेटी, जब तक काम खत्म ना हो जाए उठने को जी नहीं मानता। जरा सी देर को भी नहीं। अच्छी बात है, आपके आने दीजिए डॉक्टर साहब को, मैं उनसे कहूंगी बामिया को दवाई कोई ना दीजिए, बस इनकी मेज के कागज से मेरे का साथ ले जाइए, ये बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। ये ठेकेदारी का काम ऐसा है बेटी कि रोज का खर्च रोज ना लिख लिया जाए तो सारा हिसाब भिट हो जाता है। हाँ अच्छा ये तो बताओ कि तुम सुबह से क्या कर रही हो? मैं हाँ? एक नाटक अनवर भाई ने लिखा है, हम सब उसका खेल खेल रहे हैं। नाटक? अरे भाई तुम लोगों का नाटक देखने को तो हम भी काम खत्म किए बगैर ही उठ खड़े। नहीं नहीं अब्बा मियां, हिसाब ही खत्म कीजिए आप, नहीं तो सारा हिसाब गिटमिट हो जाएगा। बस मुझे तो आपकी फिक्र जरा की जरा खींच लाई थी। अच्छा चलती हूँ। मगर ये उल्टे पाँव क्यों? बड़ों की तरफ पीठ करना बदतमीजी की बात है ना। बड़ी तमीज वाली बन गई है नजमी। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं अम्मी। ये पीछे क्या है? कुछ नहीं। आए हाय पिस्तौल। पिस्तौल कैसा? ये देखो। अरे चोटी, ये पिस्तौल उड़ाने के लिए हो रही थी मुझसे हमदर्दी। मैं भी कहूँ कि आज नजमा को मेरी सेहत की फिक्र क्यों हो गई? जरा खेलने को ले जा रही थी। पिस्तौल बच्चों के खेलने की चीज है? मम्मी मुझे थोड़ा ही चलाना है, उसे तो अनवर भाई के खेल में जीनत आपा चलाएंगी। उनसे कहो नकली पिस्तौल मंगा ले बाजार से, ये पिस्तौल नहीं मिल सकता। अरे भाई हम ला देंगे अपनी बेटी का ऐसा नकली पिस्तौल जो बड़े जोर से चलता है और जिसमें से आग भी निकलती है, बस फिर तो मेरी तंदुरुस्ती का फिक्र नहीं सताएगा ना। और देखो अपनी जीनत आपा से कहो कि पान के दो चार टुकड़े लगा ले मेरे लिए। खुद लगा ला मैं। तुम चूना थोप कर जुबान काट डालोगी, जीनत इसे कह दो। नाहक बच्ची का दिल मैला किया, जरा सी देर को पिस्तौल से खेल लेती तो क्या मजाका था। मुश्किल ना खून लो, बच्चे इस पिस्तौल से खेले जिससे दो इंसानों का खून हो चुका है। मुझे तो इस पिस्तौल से हौल आता है। संभालो इसे, बंद कर दो मेज के दराज में। इस पिस्तौल ने सिर्फ जुर्म ही नहीं किया बल्कि बहादुरी के हाथ में। मॉर्निंग आंटी। कौन? इकबाल मियां? हाँ इन वेदर। बड़ा अच्छा मौसम है। हाउ डू यू डू? वेयर इज अंकल? आई एम सॉरी। Cousins, okay, auntie? भाई तुम्हारी गिट पिट से मेरा धम उलझता है। तुम भले मानसो की तरह अपनी बोली में फूफी कहकर बुलाया करो मुझे। खाला माँ ये लीजिए अपना झूमर। I wish you a very good morning, cousin. Well, what's the matter? Miss Zeenat घबरा कर भाग क्यों गई? इकबाल मियां जीनत अल्लाह रखे जवान हो गई, अब उसका छिपना ही मुनासिब बात है। छिपना? नॉनसेंस। कम से कम इंग्लिस्तान में नौजवान लड़कियों को कोई यूं नहीं छुपाता। मगर बेटे हम बेचारे तो हिंदुस्तान के काले लोग हैं ना,
And you mean to say زینت انور سے بھی پردہ کرتی ہے؟ انور سے تو آتے سال اللہ خیر رکھے تو اس کا بیاہ کر دینے کا ارادہ ہے. انور سے بیاہ؟ Good heavens. تو اندر ہی اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہیں آپ لوگ, لیکن آپ کو یہ اختیار کہاں سے مل گیا کہ مجھ سے تو مس زینت کا پردہ کرائیں اور انور کو موقع دیں کہ وہ ان کی محبت کو جیت لے. مس زینت اگر آپ کی بہن کی بیٹی ہے تو میں آپ کے بھائی کا بیٹا ہوں. زینت پر جتنا آپ کے انور کا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے. مگر بیٹے, انور سے زینت کا رشتہ تو زینت کے ماں باپ نے مرنے سے پہلے خود طے کر دیا تھا. نان سینس. انہیں کیوں کر معلوم ہو سکتا تھا کہ خاص عمر کو پہنچ کر میں بھی زینت سے شادی کرنا چاہوں گا؟ انہیں یہ رشتہ طے کرنے کا کوئی حق نہ تھا. کم از کم انگلستان میں رشتے یوں طے نہیں کیے جاتے, لڑکے لڑکیاں اپنا رشتہ خود طے کرتی ہیں. مجھے اس معاملے کے متعلق فوراً انکل سے بات کرنی چاہیے. اس میرے مقدر پر کرتے ہیں اشارے, یا شاہ مدینہ ہنستے ہیں ستارے. زینت آپا, ابا جان باہر پان مانگ رہے ہیں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے زینت کو پوری آزادی حاصل تھی اور ہے, اسے خود انور سے محبت, اور تمہارا رنگ ڈھنگ اور چال چلن ناپسند ہے. یہ ناممکن ہے. کوئی ہندوستانی لڑکی کسی انگلینڈ ریٹرن جینٹل مین کو ناپسند نہیں کر سکتی. اس لیے میں چاہتا ہوں مجھے مس زینت سے محبت ظاہر کرنے کا موقع دیا جائے. کم از کم انگلستان میں ہر نوجوان کو اجازت ہوتی ہے کہ جس لڑکی سے محبت ہو اس کی خدمت میں پھول پیش کر کے اس سے اظہار محبت کرے. تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم اب انگلستان میں نہیں بلکہ ہندوستان میں ہو, اور ہندوستان میں ایسی بات کرنے والے کو کان سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے. خالو جان, تھالیاں کترنے میں دیر ہو گئی. زینت گھبرائیے نہیں, گھبرائیے نہیں. کم از کم انگلستان میں لڑکیاں نوجوانوں کو دیکھ کر یوں نہیں گھبرا جاتی. میں چاہتا تھا آپ سے ملوں, فی الحال صرف یہ پھول آپ کی خدمت میں پیش کروں. جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کبھی آپ سے پھول آنے کو نہ کہا تھا. محبت کے پھول پیش کیے جانے پر کم از کم انگلستان کی کوئی لڑکی ایسی بات نہیں کہتی. زینت مجھے تم سے بے حد محبت. بس بس, اس بےہودگی کا جواب مجھے سختی سے نہ دینا پڑ جائے. زینت میری محبت کی قدر کرو. میں تمہیں انور کی طرح گھر کی چہار دیواری میں قائم نہ رکھوں گا, بلکہ بازار, پارک, سینما, تھیٹر, ناچ گھر, تفریح کے ہر مقام کے دروازے تم پر کھول دوں گا. میری ہو کر تم زندگی کے پھل میں سے لذت کی آخری بوند نچوڑ سکو گی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چار دیواری میں رہنے والی لڑکیاں اس لذت کے لیے ترستی رہتی ہیں تو آپ غلطی پر ہیں. زینت, چار دیواریوں کی قید نے تمہیں دنیا کی دلچسپیوں سے الگ کر رکھا ہے. تمہیں آزادی چاہیے. آزاد ہو کر ان دلچسپیوں کو پا سکتی ہو. جو آزادی ہمارا حق ہے وہ کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا, اور جس آزادی کا خواب آپ نے مجھے دکھایا ہے اس پر چار دیواری میں رہنے والی ہر ہندوستانی لڑکی لعنت بھیجتی ہے. اگر تمہیں آزادی ناپسند ہے تو لو, میں تمہارے سامنے اس سے بھی قیمتی چیز پیش کرتا ہوں. میں اپنا دل, اپنی محبت, اپنا مستقبل, اپنا سب کچھ تمہارے پیروں میں رکھتا ہوں. میرے پیروں میں اتنا کوڑا نہ پھیلائیے, مجھے جھاڑو دلوانی پڑ جائے گی. کم از کم انگلستان میں آج سے تمہارا اور زینت کا پردہ ہو. پردہ؟ وہ کیوں؟ اگر زینت کے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ اس کا تم سے پردہ نہ کراتے شاید. اب وہ صرف اس لیے تمہارے سامنے آتی رہے کہ یتیم ہو چکی ہے. کیا ہم نے کوئی ایسی بات کی جو آپ کو نامناسب معلوم ہوئی؟ تم نے کوئی نامناسب بات نہیں کی, لیکن تم دونوں کی بے تکلفی دیکھ کر دنیا کو تو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ بیٹے کی خاطر خالہ یتیم بھانجی کو پردے میں نہیں بٹھاتی. جب ہم اپنی نظروں میں آپ برے نہیں تو ہمیں کسی کے کہنے کی پرواہ کیا؟ زینت اگر یتیم نہ ہوتی تو میں بھی پرواہ نہ کرتی. آپ کو دوسروں کا اپنی اولاد کی خوشی سے زیادہ خیال ہے. زیادہ سے زیادہ میں اتنا کر سکتی ہوں کہ زینت کا تم سے پردہ نہ کراؤ, لیکن آپ اس کی بے تکلفی کو تم اس وقت سے ختم سمجھو. مامتا شاید اسی کو کہتے ہیں. کیوں دل دکھانے کی باتیں کرتے ہو انور؟ دکھنا صرف آپ ہی کا دل جانتا ہے.
मेरा दिल अगर आप पत्थर का समझती हैं तो आप गलती पर हैं। अब्बा जान, मेरा अम्मी जान के साथ गुजर नहीं हो सकता। जब हो कोई ना कोई नादरशाही हुक्म सुना दिया जाता है, मैं क्या दूध पीता बच्चा हूं कि मेरा बुरा भला सिर्फ वही समझ सकती हैं? मुझसे उनकी ऐसी बातें अपना सही जाएंगी। तुम अपने बाप के पास अपनी माँ की शिकायत लेकर आए हो और मैंने अपनी माँ की खातिर कभी अपने बाप की मगफिरत तक के लिए दुआ नहीं की। माँ की खातिर बाप की मगफिरत तक के लिए दुआ नहीं की? मैं समझा नहीं आपने क्या फरमाया। कुछ नहीं, अपनी माँ की तस्वीर और तुम्हें माँ से नाराज देखकर पुरानी यादों ने मुझे बेकाबू कर दिया, वरना शायद तुम्हारे सामने ये बात मेरी जबान से ना निकलती। तो गोया खानदान का कोई भेदा मुझसे छिपा कर रख रहे हैं? इस ख्याल से कि सुख में वही रहता है जो अनजान हो। लेकिन जब अनजान को मालूम हो जाए कि एक भेद उसे छिपा कर रखा जा रहा है, तो उसे ये समझ कर सब्र कर लेना चाहिए कि इस भेद के खुल जाने से खानदान की बदनामी का डर है। मगर मैं खानदान में से हूँ और मेरे अनजान रहने से बदनामी का धब्बा मिट नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे कंधे एक बोझ संभालने की जिम्मेदारी से बचे रह सकते हैं। मैं जवान हूँ और मेरे कंधे मजबूत हैं। तुम जवान हो, तुम्हारे कंधे मजबूत हैं, दुरुस्त। मैं उस वक्त जवान नहीं था, बच्चा था, 12-13 साल का नादान, जब मेरे बाप का जुर्म मेरे कमजोर कंधों पर एक पहाड़ की तरह आन पड़ा। बाप का जुर्म? उनका जुर्म क्या था? खून। खून? हाँ, दो इंसानों का खून। एक उस बाजारी औरत का खून जिससे उन्हें मोहब्बत थी, और एक उस रकीब का खून जिससे उस बाजारी औरत को मोहब्बत थी। और फिर अदालत ने उन्हें 28 साल कैद की सजा। सजा? हाँ, सजा। औलाद के लिए माँ बाप जायदादें छोड़ते हैं, दौलत छोड़ते हैं, रुतबा और शोहरत छोड़ते हैं, कारोबार और तिजारत छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते तो इज्जत और आबरू छोड़ते हैं। लेकिन तुम्हारे बाप ने वर्षे में अपने बाप से क्या पाया? सिर्फ खूनी के बच्चे का खिताब। यारब, खानदान की साख मिट गई, पूंजी मुकदमे में उठ गई, आबरू सदा से लुट गई। एक 12-13 साल का बच्चा इस संदिग्ध दुनिया में जो तानों और मुलामतों से भरी हुई थी, कंगाल और बेआसरा हो गया। और उस बच्चे की देखभाल किसने की? उसकी मां ने, मोहब्बत और शफकत की उस नूरानी पैकर ने, जिसके पैरों में जन्नत और जिसकी गोद में खुदा की रहमत आबाद। और मैं अपनी माँ की शिकायत लेकर आपके पास आया था, और फिर क्या हुआ? मेरी माँ मुझे लखनऊ से दिल्ली ले आई, मेरा नाम बदल डाला, एक नए शहर में नए नाम से मेरी नई जिंदगी की नींव रखी, चक्की पीसने की मशक्कत से मेरा पेट पाला, सिलाई की दीदारेजी से मेरा तन ढाका, मोहल्ले की बच्चियों को कुरान शरीफ पढ़ाकर मुझे लिखाया पढ़ाया, उसकी हसरतों ने मुझ में उमंग पैदा की, उसकी ढारस ने मुझ में हौसला फूका, मुझे उससे ज्यादा बख्शा जो कुछ के मेरे खूनी बाप ने ये पिस्तौल चलाकर मुझसे छीन लिया। ये पिस्तौल? मैंने कभी ख्याल ना किया था कि इस पर कुछ नाम खुदे हुए। उन बुजुर्गों के नाम जिनके हाथ से होती हुई खानदान की ये यादगार मुझ तक पहुंची। और इनमें मेरे दादा का नाम मौजूद था, लेकिन जिस शख्स ने खून बहाकर और कैद की सजा पाकर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसका नाम एक खानदानी यादगार पर बाकी रहने का हक ना रखता था। इसीलिए ये जिस रोज मुझे खबर मिली कि वो कैद खाने में मर गए, उसी रोज मैंने इस पिस्तौल पर से उनका नाम खुरी डाला। मगर उनका नाम क्या था? अकबर। मेरा नाम अकबर है। काम क्या है? मुझे रामचरण जी से मिलना है।
मैं उनका बेटा हूँ। पिताजी वकालत का काम छोड़ चुके हैं। आपको अगर किसी केस में सलाह लेनी है तो इस सेवा के लिए मैं हाजिर हूँ। मुझे सलाह नहीं लेनी है। रामशरण जी मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं उनसे मिलने के लिए आया। पुराने दोस्त हैं? अच्छा आप अंदर आइए, मैं उन्हें खबर करता हूँ। छोटी कहीं की। पिताजी बाहर कोई साहब अकबर मिलने के लिए आए हैं, कहते हैं आपके पुराने दोस्त हैं। मेरे पुराने दोस्त अकबर? मुझे तो इस नाम का कोई दोस्त याद नहीं। अच्छा उन्हें अंदर बुलाओ। अच्छा अब तुम सबको छुट्टी। शीला इस गुड्डी को भी लेके जा। आइए अंदर आ जाइए। मिलना है आपको? हाँ हाँ शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपका वही पुराना दोस्त अकबर हूँ, वो शख्स जिसके कत्ल के मुकदमों में आज से 25 साल पहले आपने वकालत की थी। आप? मैं क्यों कर यकीन करूं? अकबर और यूं यकायक मुझे तो ख्याल तक न रहा था कि आपकी सजा की मुद्दत खत्म हो चुकी है। सजा के चंद साल अभी बाकी थे लेकिन मेरा रिकॉर्ड अच्छा था। ताजपोशी की खुशी में जिन कैदियों को छोड़ा गया उनमें मुझे भी चुन लिया गया। खूब खूब तशरीफ रखिए। बेटा रतन पहले आपके लिए कपड़ों का इंतजाम करो। अच्छा पिताजी। हाँ तो आप सीधे मेरे ही पास आ रहे हैं? और कौन था जिससे मुझे अपने अजीजों का हाल मालूम हो सकता? अजीजों का हाल? आपकी बीवी के स्वर्गवास होने की खबर तो आपको जेल में भेज दी गई थी। हाँ हाँ मगर मेरा बेटा वो कहाँ है? मैं उसे देखने को बेताब हूँ। आप उसके पास जाने का इरादा रखते हैं? मुझे न जाना चाहिए। मैं यही मशवरा दूंगा। वो समझता है कि आप कैद खाने में मर चुके। मैं मर चुका? ये उससे किसने कहा? मैंने। आपने? क्यों? सिर्फ इसलिए उसकी जिंदगी पर आपके जुर्म का साया पड़ रहा था। वो ये भूल ना सकता था कि उसका बाप खूनी है और कैद खाने की दीवारों के अंदर जिंदगी के सांस ले रहा है। ये ख्याल एक अनोखी तरह उसे नाकारा और बेहिम्मत बना रहा था। उसे तरक्की के रास्ते पर डालने का तरीका मुझे इसके सिवा और कुछ ना सूझा कि उसे आपके मरने की झूठी खबर देनी। सिर्फ मैं ही नहीं मेरी याद तक मेरे बेटे की जिंदगी से निकल चुकी है। गुनाह जो सदा ईश्वर की तरफ से मिलती है वो कानून की सजा से बहुत सख्त होती है। मैं उसे एक नजर देख भी नहीं सकता। वो अब लखनऊ में नहीं रहता और मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ये भी ना पूछें कि वो कहाँ रहता और क्या करता है। उसकी जिंदगी में आपका कोई हिस्सा नहीं।
उसे जिंदगी में आपसे सिर्फ दुख ही दुख मिला। उसने अपनी सारी जिंदगी अपनी माँ की मेहनत और अपने बाजू की हिम्मत से बनाई। उसके दिल में आपके खिलाफ कीना मौजूद है। कैद खाने की जलती हुई लंबी दोपहरों और सूखे मारती हुई वीरान रातों में, जब वक्त एक बोझिल पत्थर की तरह सीने को कुचल रहा होता था, तो पसीने में नहाया हुआ ये बेसुध बूढ़ा जिस सिर्फ मौत से एक ही इल्तिजा किया करता था, सिर्फ अपने जिगर के टुकड़े को एक बार देखने और चूमने और सीने से लगाने की मोहलत बख्शते, और उसके लिए मेरे खिलाफ इनाम मौजूद है। यार मेरी जिंदगी और आजादी भी यार मेरी सजाई का हिस्सा बनना था। आप परेशान ना हो, मेरे मेहमान ठहरे, मैं कोशिश करूंगा कि आपका ठिकाना किसी मुनासिब जगह बना दूं। अपने दिल में संभालो, हम में
कोई तोहफा नहीं लाई? लाई तो हूँ मगर कोई लेता ही नहीं। देखें भला क्या है। मेरा तोहफा दिखाने का नहीं सुनाने का है। अखा तो शेर क्या कर लाई है आप? तो इंतजार किस बात का है? बिस्मिल्लाह फरमाइए फरमाइए। अरे नजमी ईदन से कहो जरा चाय तो ले आए। अर्ज किया है यूं ही जो आती रही मारा मार साल गिरा। मारा मार खूब बहुत खूब। ऐसा कोई साल आता ही नहीं कि सालगिरह नान मौजूद होती हूँ। अरे अब तुम इन्हें कुछ कहने भी दोगी? हाँ हाँ फरमाइए। यूं ही जो आती रही मारा मार साल गिरा तो एक रोज कराएगी और साल गिरा। हाँ बाबा और क्यों कराएगी साल गिरा? अभी आपकी समझ में आया जाता है घबराती क्यों हो? अर्ज किया है हमें तो शौक तेरा सेहरा देखने का है। बाबा बाबा क्या कहने हैं? ये कही ना सबके दिल की बात। हमारे दिल की क्यों? अपने दिल की कही होगी। हमें तो शौक तेरा सेहरा देखने का है और मनाई जाती है तू बार बार सालगिरह। कहिए भैया आज तो खूब चहल कदमी हो रही है। आज मैं तुम्हारे लिए ऐसे अच्छे अच्छे खिलौने देखकर आया हूँ कि क्या बताऊँ, मगर बस कल सुबह ही तुम्हें ला कर दूंगा। ये बात तो ठीक है भाईजान, लेकिन आज मुश्किल है। क्यों? मेहमान सहेलियाँ आई हुई हैं, उन सब में से उठकर जीनत आपा क्यों कर आ सकती है? तुम कोशिश करो तो सब कुछ होता है। हाँ अगर हम कोशिश करें तो, मगर हमारी कोशिश की फीस लगती है। भाई हमने जरा बेतकल्लुफी की बात कही है। अर्ज करती हूँ क्या सालगिरह जब यहाँ अनवर ही नहीं है। बखवा बखवा क्या सालगिरह जब यहाँ अनवर ही नहीं है, खुश कैसे बंदरिया हो के बंदर ही नहीं है। बंदरिया कहीं आपका तखल्लुस तो नहीं? मैं अभी आती हूँ। ओए अल्लाह मैं तो डर गई, मुझे आने में देर तो नहीं हुई? घड़ी से पूछो तो चंद मिनट कहेगी और मेरे दिल से पूछो तो कई बरस कहेगा। क्या है ये? ताजमहल। जीनत मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कोई इससे बेहतर तोहफा न सोच सकती थी। आशिक की आंख से टपका हुआ ये आंसू जिसमें उसकी रूह की ज्वाला आज तक जगमगा रही है। शाहजहां की मोहब्बत का ये फिरदौसी ख्वाब जिसे मरमर के सफेद पत्थर ने हमेशा के लिए जिंदगी बख्श दी। जैसे एक पाकीज़ा मस्जिद जहां सिर्फ मोहब्बत करने वाली रूह अपनी नमाज अदा करती है।
जीनत, मैं मोहब्बत की इस जगमगाती हुई यादगार के सामने तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा रहूँगा। शाहजहाँ और मुमताज महल की रूही, शायद इस वक्त हमारी मोहब्बत को आसमान पर बरकत बख्श रही है। उनकी रूह हमारी जुदाई की घड़ियाँ खत्म हो जाने की दुआ करेगी और उनकी लाजवाल मोहब्बत हमारी मोहब्बत को रोशनी दिखाएगी। अरे भाई को है यहाँ? बड़ी बात होनी हो गई। ये कौन? अमजद मेरा घर में है। अरे नजमी। अरे दादाजी। अब्बा मियां। अरे बासुन, बासुन ये मिठाई तो लेती जा। बड़ी शर्मीली लड़की है। अब्बा जान, अब्बा जान, लखनऊ वाले रामसन दादा आए हैं। ओहो, कौन? चाचा जी? हाँ हाँ। हरिओम परमात्मा। कौन चाचा जी? आदाब बजा लाता हूँ। जीते रहो बेटा, अच्छी तरह से तो हो। आपकी दुआ से। अरे ये नजमी तो अब काफी बड़ी हो गई। और बड़ी शरीर भी। तशरीफ रखिए। मगर चाचा जी, ना कोई तार ना खत पत्र और ऐसे ही अकाया। मैं असल में अपने एक दोस्त के साथ शादी में शरीक होने मेरठ जा रहा हूँ। मुझे दिल्ली में तुमसे काम था जी। और मेरे दोस्त को बाजार से कुछ चीजें भी खरीदनी थी, इसलिए आज के दिन हम सब दिल्ली ठहर गए। ये ले, ले ले बिटिया, ले लो ले लो, ले लो, शर्माओ नहीं, ले लो। हाँ मगर चाचा जी, आपके दोस्त हैं कहाँ? सब होटल में है। होटल में? मेरे यहाँ क्यों ना उतारा उन्हें? असल में उन दोस्त के साथ उनकी बेटी भी थी। बेटी को साथ लेकर कहीं मेहमान बनना उन्हें पसंद ना आया। इधर मेरा उनका लखनऊ से साथ था, इसलिए सब इकट्ठे होटल में उतर गए। हाँ तो अमजद मियां, काम तुमसे सिर्फ इतना है कि जिस तरह भी बने एक गरीब शख्स को अपने यहां नौकर रख लो। गरीब शख्स को नौकर? किस काम पर चाचा जी? जिस काम पर जी चाहे। शरीफ खानदान का बूढ़ा शख्स है, इस वक्त उसे सर छुपाने को ठिकाना नसीब नहीं। मोहब्बत से रखोगे तो तुम्हारे ही दरवाजे पर जिंदगी के दिन पूरे कर डालेगा। अखा दादाजी, आदाब बजा लाता हूँ। अनवर मियां, जीते रहो बेटा, अच्छी तरह से तो हो। मेहरबानी आपकी, आप कब तशरीफ लाए? अभी आना हुआ, बैठो बैठो। आदाब बजा लाती हूँ। ओहो जीनत भी आ गई। जीती रहो बेटी, आओ आओ, शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं। आओ आओ बेटी, शर्माओ नहीं, आओ यहाँ बैठ जाओ। अच्छी तरह से तो हो। दुआ है आपकी। हाँ तो चाचा जी, जिस शख्स को आप नौकर खाना चाहते हैं वो माली का काम तो शायद ना जानता हो। पूछ ना लिया जाए उससे। आप उसे साथ लाए हैं? हाँ हाँ। अनवर मियां, जरा तुम ही तकलीफ करना, बाहर एक बूढ़ा शख्स बैठा है, उसे अपने साथ अंदर ले आओ। बेटी जीनत, तुम अंदर चली जाओ। बैठो बेटी बैठो। अरे वो बूढ़ा शख्स है, जीनत तो उसकी पोती के बराबर है, उससे क्या पर्दा। इन्हें अंदर ले आऊं? हाँ हाँ चले आओ अंदर। आ जाओ बड़े मियां। सलाम हुजूर। आओ चलिए आओ। बड़े मियां, तुम माली का काम जानते हो? फूलों और तरकारियों दोनों का काम जानता हूं हुजूर। कहीं पहले कर चुके हो ये काम? बरसों। किस जगह? जहां नसीब ले गए। यही तो जानना चाहता हूं कि नसीब कहां ले गए।
कोई ऐसी जगह न थी जिसका नाम फख्र से लिया जा सके। कोई सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? अमजद मियां, तुम्हें इनको सर्टिफिकेट देखकर नहीं, सिर्फ मेरी सिफारिश पर नौकर रखना। चाचा जी, नौकर तो ये रखे जा चुके, मैं तो यूं ही चंद बातें कर रहा। तुम मेरे ख्याल में इनके ठहरने का बंदोबस्त कर दो। हाँ अनवर, तुम जाओ और इन बड़े मियां को शागिर्द पेशे में माली का क्वार्टर दे दो। मेरा रोया रोया हुजूर को दुआएं देगा। हुजूर ने एक ऐसे बेकस का हाथ थामा है जो दुनिया में किसी को अपना कहकर पुकारने का हक न रखता है। अब इस घर को अपना घर समझकर उम्र यहीं बसर कर दे। शरीफ शख्स जिस घर में नौकरी करता है वहां से आप नहीं निकला करता, उसका जनाजा निकला करता है। बेचारा किसी अच्छे खानदान से मालूम होता है। इसका खानदान तुम्हारे खानदान से कमतर करार नहीं दिया जा सकता। इसका कोई अजीज रिश्तेदार नहीं? बस, अब अगर इसका दुनिया में कोई है तो सिर्फ एक तुम हो। बेटी, अभी तक चाचा जी के लिए कोई पान नहीं लाया, जाओ जल्दी पान भिजवाओ। बड़े मियां, यह है तुम्हारी कोठरी। आम जरूरत की सब चीजें इसमें मौजूद हैं। किसी खास चीज की जरूरत हो तो मुझे कह देना, उसका इंतजाम मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। अल्लाह खुश रखे आपको मियां, आपने मुझसे दो मीठी बातें कर ली, मुझे सब कुछ मिल गया। अगर बातों ही से सब कुछ मिल सकता है तो उसका इंतजाम भी हो जाएगा। मेरी छोटी बहन इतनी बातूनी है कि कान खा जाएगी तुम्हारे। खानदान कहती है आप अगर ठहरे होटल में हैं तो खाना अपने दोस्तों समेत यहीं खाना होगा। हाँ चाचा जी, हम आपको खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देंगे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें मेरी तरफ से कह दो बेटी, मेरे दोस्तों को मेरठ पहुँचने की बहुत जल्दी है, खाने के लिए यहाँ आने का वक्त ना मिल सकेगा। तो उन्हें जाने दीजिए ना, आप कल चले जाइएगा। नहीं बिटिया, मुझे आज ही जाना होगा। लीजिए। पहले आप। पहले आप। हाँ पहले आप। अजी नहीं, पहले आप। अच्छा तो अब मुझे इजाजत दो। बड़े अफसोस की बात है चाचा कि आप अभी आए और अभी चल दिए। मजबूरी है बेटा, मैं फिर आऊंगा। हाँ तो अमजद मियां, खास तौर पर ख्याल रहे उस बूढ़े शख्स का। आप इत्मीनान रखिए, मेरे यहाँ उन्हें किसी बात की तकलीफ ना होने पाएगी। अच्छा दादाजी, अम्मी जान कहती हैं खाने के लिए यहाँ आने का वक्त नहीं तो खाना होटल में भिजवा दिया जाएगा। अरे भाई, कोई मौका भी हो इस तकल्लुफ का। तकल्लुफ की क्या बात है, खाना वहां पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा भाई, उन्हीं की खुशी सही, लेकिन खाना जरा जल्दी पहुंच जाए क्योंकि मेरे दोस्त चाहते हैं कि काम से फरागत पाने के बाद जो पहली ट्रेन मिले उससे मेरठ रवाना हो जाए। बहुत अच्छा, आप फिक्र ना कीजिए। मैनेजर से एक बार फिर कह देना कि हमें उस कमरे में सख्त तकलीफ है, हमें डबल कमरा चाहिए। देखो 8 बजे फिर कार चाहिए। क्या करता है? उस तरफ देखो, उधर क्या देखता है? उतर उतर। हाँ
इधर मलो। अरे ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? और अरे कोई है? फिर आई हम जो हम बुजुर्गन आप मेहरबानी करके मेरा दरवाजा खोल दीजिएगा। कौन सा दरवाजा? मेरे ससुराने का कमरा नंबर 5 में। बिल्कुल ही है। अरे कोई है? अरे कौन था? कहाँ है आप? इधर उस माले में। आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ, not at all, not at all। तो अब आप मुझे कपड़े बदलने थे? Surely, surely, जरूर बदलिए। मेरा मतलब है, यानी कि अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। कम से कम इंग्लिस्तान में ऐसी दिलचस्प मुलाकातें इस कदर जल्द खत्म नहीं हो जाती। आप इंग्लिस्तान हुआ है? हाँ, गया जरूर था मगर आया नहीं। क्या मतलब? मतलब यही कि मेरा जिस्म यहाँ है मगर मेरी रूह वही है। मैं आपसे अपना इंट्रोड्यूस खुद कराऊं। मेरा नाम मिस्टर आईबॉल। मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? जी, मेरा नाम नरगिस है। एक्ट्रेस जिनके यहाँ आने की खबर कई रोज से अखबारों में निकल रही है? जी हाँ, वही। भाई जो एक्ट्रेस हैं आप। मैं माफी चाहती हूँ कि मेरी आवाजों ने बगैर ड्रेस किए आपको मेरे कमरे में आने पर मजबूर कर दिया। ओह नो नो, माफी की क्या बात। कम से कम इंग्लिस्तान में लड़के लड़कियों का बगैर ड्रेस किए मिलना अब बुरा नहीं समझा जाता। ऑलराइट, मैं ड्रेस करने के बाद अभी आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। आपके साथी अभी अभी स्टेशन चले गए और वो आपके लिए ये पैगाम छोड़ गए हैं कि हमने अपने तमाम काम खत्म कर लिए और इसी गाड़ी पर वापस मेरठ जा रहे हैं और आप शाम की गाड़ी से वापस आ जाइए। उन्हें गए कितनी देर हुई? वो अभी मुश्किल से स्टेशन तक ही पहुंचे होंगे। अच्छा, तो हम इसी वक्त जाते हैं, उन्हें स्टेशन पर जा मिलेंगे। जी हाँ, शुक्रिया। बॉय बॉय। डीजे साहब, आपका काम बन गया। आप इन साहब का कमरा ले सकते हैं, वो भी डबल कमरा है। थैंक यू। फरमाइए। मुझे एक कमरा चाहिए। लेकिन लाला जी, मेरे पास तो सिंगल कमरा खाली है। मुझे भी तो सिंगल ही चाहिए। बहुत अच्छा। ए चौधरी साहब को कमरा नंबर 5 में ले जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। ये भी लो, ये लो। चलो चलो। अरे जल्दी करो ना भाई। अरे देखो, ये तो भूले जा रहे हो बाबा, ये लो ना। चलो चलो, कुछ रह तो भूल गया। देखो इस रूम में हमारा सामान लाओ, जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा साहब। बड़े मियां तैयार हो? नाश्ता दान ले आए? जी हाँ हुजूर। तो ठीक मालूम होते हो। अच्छा तो बैठ जाओ। अनवर, बड़े मियाँ को साथ ले लिया, अच्छा किया। बड़े मियाँ, तुम्हें तो पता मालूम है। जी हाँ हुजूर, होटल की दूसरी मंजिल में कमरा नंबर 10। चलो भाई चलो, शाबाश है, चलो।
जल्दी करो, शाबाश शाबाश, जल्दी करो, चलो शाबाश। अरे सब सामान यही रखोगे कि उस कमरे में भी ले जाओ? सामान ठीक करो, चलो चलो सामान ठीक करो, चलो जल्दी करो जल्दी करो, चलो भाई चलो। अच्छी बात, मैं खाना भिजवा देता हूँ, आप खा लीजिए। और जिस थिएटर में आपका नाच है मैं उसके मैनेजर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। आइए मियाँ आइए, घबराइए नहीं, आइए। बड़े मियाँ नाश्ता दान यहां रख दो और तुम बाहर ठहरो। बहुत अच्छा। अकल मांगता है, अकल मांगता है। यू इडियट, ठीक था, हमारा काम बिगाड़ना मांगता, बदतमीज। अच्छा ये भी मेरा कसूर है? फिर ऊपर देखता है, नजर नीचे रखो। जब हम बाहर जाए ठीक में नहीं मांगता। ए ए ए, क्या करता है? अब काम बन जाएगा हुजूर। यही छेड़ा करते हैं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी का बच्चा। अभी इस कमरा में मिस नरगिस, मिस नरगिस का बच्चा जो उठाई गिरा। मारो उसको, ये देखो कमरे में कौन घुसा। मारो उसको, ये देखो कमरे में कौन घुसा। मारो उसको, मारो उसको, उठाई गिरा। कम से कम हिंदुस्तान में तुम मेरी हिंदुस्तान का बच्चा, तुम मेरी बहन मैडम जाने दो ना। गस्टस। यस सर। तुम यहाँ क्या करता? बेफिक्र रहिए हजूर, हमारा नजर नीचे था। फिर हमको देखता है, भाग जाओ, तुम्हारा कमरा से बाहर कोई काम नहीं। लेकिन देखता है हमको, भाग जाओ। यस सर। खाना लेकर आप आए हैं? जी हाँ। मगर आप क्या खाना नाश्ता दानों में लाया जाता है? जी क्या किया जाता, डर था कि प्लेटों में से गिर पड़ेगा। गिर पड़ेगा क्यों? क्या जान नहीं आपकी नौकरों के हाथों में? और नाश्ता दान में हाथ डाल डाल कर खाने से तकलीफ जो होगी मुझे? जी नहीं, ऊपर के खाने में प्लेटें भी मौजूद हैं। बड़ा अनोखा दस्तूर है आपके यहाँ का, मगर खाना रखने की ये जगह है, वहाँ रखिए। मैं निकाले देता हूं। मगर आप अकेली खाएंगी खाना? हाँ, मेरे साथी एक जरूरी काम के लिए बाहर गए हुए हैं। अरे खाना नहीं खाएंगे वो? वो जाने उनका काम, मुझसे कह गए थे कि मैं खा लूं। बड़ा अफसोस है। अफसोस? अफसोस की क्या बात हुई? अगर आप खाना ज्यादा ले आए हो तो जाकर कम करवा लाइए। ये बात नहीं,
आप खाना खाइए। तो अब आप मेरे सर पर चला रहिएगा? माफी चाहता हूं। क्या मतलब? गोया मुझे ये कबाब किस चीज के हैं? आलू के। ये सब हाँ सब ठीक है। इसके लिए मोती और नया गोटा भी चाहिए और वैसलीन भी फिनिश हो गया और इसके लिए नया कपड़ा भी चाहिए। लिस्ट लाई हो? पेंसिल? अच्छा तुम जा सकती हो। मैं पूछ सकता हूँ आपका नाम? जब मैं आपके होटल में उतरी उस वक्त आप अफीम के पिनक में थे। माफ कीजिएगा मैं होटल वालों में से नहीं हूँ। नहीं है तो आप मेरे कमरे में खाना लेकर क्यों आए? आज सुबह इस कमरे में मेरे एक दोस्त आकर उतरे थे, ये खाना मैं उनके लिए अपने घर से लाया हूँ। माफ कीजिएगा मैं आपको होटल का मैनेजर समझ रही थी। और मैं आपको रामशरण जी के दोस्त की बेटी समझ रहा था। तौबा तौबा। ए बुढ़ा, मिस नरगिस है अंदर? कौन मिस नरगिस? एक्ट्रेस, हमारा दोस्त, हम उनसे मिलना मांगता, हमारा उनका अपॉइंटमेंट। यहाँ कोई एक्ट्रेस नहीं, इस कमरे में रामशरण जी ठहरे हुए हैं। नो, इस कमरे में मिस नरगिस रहता, हम उनसे मिलना मांगता, होटल का बाय बोलता। अभी अभी कमरा बदला, तुम अंदर जाकर हमारा खबर करना मांगो, तुम हमको नहीं रोक सकता। खबरदार जिस दरवाजे को हाथ लगाया। कम अज कम हिंदुस्तान में किस कदर खूबसूरत मुलाकात हुई है आपसे। ऐसे दिलचस्प इत्तेफाक जिंदगी में किसी किसी को नसीब होते हैं। अरे बड़े मियां अंदर आ जाओ। रामशरण जी हमारे आने से पहले ही चले गए, तुम बर्तन समेट लो। तो आप मेरे नाच में जरूर आइएगा ना? आपने इतनी ताकीद से बुलाया है तो क्यों कर मुमकिन है कि मैं ना आऊं। अच्छा तो अब इजाजत है। आदाब। आदाब। आइए। आप क्यों तकलीफ करती हैं, मैं खुद चला जाऊंगा। कोई बात नहीं। मिस नरगिस। हाँ मेरे घोसले खाने वाले दोस्त, आप तो कपड़े बदल कर बिल्कुल छैला बन गए। इसकी वजह सिर्फ ये है मिस नरगिस कि मेरे तमाम सूट इंग्लिस्तान के सिले हुए हैं। काश मुझे कोई मैनेजर आप ऐसा खुशपोश मिल सकता। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। मगर मिस नरगिस मैं पूछ सकता हूँ, ये यंग मैन जो अभी आपसे मिलकर गया, क्या आपको, मेरा मतलब है वो आपको, आप उन मुलाकाती से जलते हैं? नो, एक लड़की के दो मुलाकाती, कम अज कम इंग्लिस्तान में आपस में नहीं जलते। लेकिन वो मेरी मुलाकाती नहीं, यूं ही गलती से मेरे कमरे में आ गए थे। बैड लक। क्यों? अगर आपकी उसकी दोस्ती होती तो ये बात आपको जरूर फायदा पहुंचा सकती थी। मुझे फायदा पहुंचा सकती थी? क्यों कर? इस तरह कि आपकी इसकी दोस्ती को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं एक मोटी रकम आपकी खिदमत में पेश करने को तैयार हो सकता था। आप किस लिए? ओ, मैं
میں سمجھ گئی تو اگر آپ اس کام کے لیے زیادہ رقم خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں تو مسٹر آئی بال دوستی اب پیدا ہو کر اور زیادہ بڑھ سکتی ہے ریئلی آپ کو بھروسہ ہے آپ اسے اس طرح اپنا بنا سکتے ہیں کہ اسے کسی دوسری لڑکی کا خیال بالکل نہ رہے لیکن زیادہ مٹھاس زیادہ گڑ ڈالنے سے پیدا ہوا کرتی ہے مس نرگس میں اس کام کے لیے 500 روپے آپ کو نظر کرنے کے لیے تیار ہوں صرف 500 تو اس کام کی قیمت آپ کیا سمجھتی ہیں 1000 سے کم کے لیے میں اس کام میں ہاتھ نہیں ڈال سکتی 1000 ایسے کاموں کی قیمت کم از کم انگلستان میں اتنی بہت طلب نہیں کی جاتی میری محنت اور آپ کے فائدے کا خیال رکھتے ہوئے یہ رقم کچھ بھی نہیں ویری ویل تو لیڈی سے بحث میں ایٹیکیٹ کے خلاف سمجھتا ہوں تو میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں تو بندہ 500 دینے کو تیار ہے آئی ایم سوری 1000 چولی تو کھیلو گی لیکن جب کسی تارے کے چور بننے کی باری آئی تو چھپو گی کہاں کہہ دیجئے میرے دل کی کوٹھری خالی ہے اس میں چھپ کر بیٹھ رہنا خامخواہ کون کہتا ہے کہ میرے دل کی کوٹھری خالی پڑی ہے اس میں تو ایک چیز یوں ٹھوسا ٹھوس بھر چکی ہے جیسے کسی آرتی کے گودام میں غلے کے بورے بھرے ہوئے ہوں اوہو ذرا میں بھی تو سنوں کیا چیز بھر لی گئی دل میں ایک تم سے بھی اچھی چیز
मसलन? तुम्हारी याद। मेरी याद? मेरी याद मुझसे अच्छी क्यों हो गई? इसलिए कि वो तुमसी बेवफा और संगदिल नहीं, मेरे दुख सुख की साथी, उठते बैठते सोते जागते हर वक्त की दोस्त। गमगीन हूँ तो मुझे गुदगुदाती है, निराश हूँ तो मेरे लिए सुहाना सपना बन जाती। तो फिर मेरी याद के लिए आप मेरे एहसान मंद क्यों नहीं होते? एहसान मंद क्यों हूँ? जनाब ने अपनी याद मुझे खुद तो नहीं दी, बल्कि कटे हुए पतंग की तरह मैंने आप खुद लूटी है। ओहो, मेरी ही बिल्ली और मुझे ही म्याऊं। जनाब को इस बात का भी ख्याल है अगर मैं चाहूं तो अपनी याद को लूट कर या लड़कर आपके लिए ऐसा बना सकती हूं जैसे किसी लड़ते हुए मुर्गे की याद हो। यकीन ना आया हो तो दिखाऊं तमाशा, करूं लड़ाई? अरे अरे ठहरो तो, और अगर भला मैं एहसान मंद हूं तो? जब दूसरी बात है तब तो मैं अपनी याद को ज्यादा महकाने और रंगीन बनाने के लिए इस फूल से आपका काज भी सजा सकती हूँ। देखिए देखिए माली आ जाएगा, वो इस वक्त मेरे लिए फूलों के हार लेकर आया करता है। हार बना नहीं चुके माली? और अगर अंधेरे में सुई उंगली में चुभ गई तो? नहीं दीदी, मुझे आदत है, एक मुन्ना सा हार आपके लिए भी बना रहा हूँ। मेरे लिए? मोतिया के फूलों का? तुम तो बड़े ही अच्छे हो माली, पिछला माली मुझे कभी फूल ना देता था। और ये आपके हाथ में क्या है? अम्मी जान आज खुद फुलकियाँ तल रही थी, मैं उनसे पूछकर थोड़ी सी तुम्हारे लिए ले आई हूँ। जीती रहिए दीदी, आप तो मेरा इस कदर ख्याल रखती हैं, अगर मेरी अपनी पोती होती तो वो भी मेरा इस कदर ख्याल न रखती। तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है माली? बीवी मर चुकी है, बच्चा है। तो तुम उसे यहाँ क्यों नहीं ले आते? मैं अब्बा जान से कह दूंगी कि उसे मेरे साथ खेलने को नौकर रख ले। बीवी वो तो बहुत बड़ा है, उसके तो बच्चे होंगे आपकी उम्र के। अरे इतना बड़ा लड़का तो करता क्या है वो? सुना है खाता पीता आदमी है, आराम की जिंदगी बसर करता है। आराम की जिंदगी? और तुमको आराम नहीं पहुंचाता इस बुढ़ापे में? हाँ बीबी कुछ ऐसी ही बात है। बड़ा बुरा है तुम्हारा बेटा। कोई आया है, ये हार आप लीजिए और ये अंदर पहुंचा दीजिए। शायद वो घर में नहीं है। वो देखो कोई आ गया, अब उसे अपने साथ थिएटर लाना तुम्हारा काम है, मैं चलता हूँ। चलो चलो। सलाम हुजूर, किससे मिलना है आपको? अनवर साहब हैं अंदर। आप क्या कहा है आपको? तुम्हें से क्या, उन्हें अंदर जाकर खबर करो कि मिस नरगिस आई है। वो घर पर मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं? किस वक्त आएंगे? मालूम नहीं। गए कहाँ है? कहकर नहीं गए। कौन है माली? अरे आप, आप घर पर हैं? आपका ये नौकर बड़ा झूठा है, कहता था आप घर पर मौजूद नहीं हैं। मैं अभी आया था, इसे मालूम ना हुआ होगा। मगर आप यहाँ क्यों कर पहुँच गई? कमाल किया ना, आपके घर का सुराग निकाल लिया। मैं आपको थिएटर ले जाने आई हूँ। इसी वक्त? उधर कोई ना सुना जाएगा, आपको मेरे नाच में अभी मेरे साथ चलना होगा। अच्छा तो मैं घर में इत्तला दे दूं?
وقت نہیں ہے اتنا نوکر دے دے گا اچھا اچھا اے مالی اندر خبر دینا کہ میں ایک دوست کے ساتھ ناچ دیکھنے تھیٹر چلا گیا ہوں اچھا اچھا بیٹھ حیران رہ گیا ہوں میں نے حسن کو اتنا دل ربا کبھی نہ دیکھا تھا سچ مچ جب تو میں بہت خوش نصیب ہوں یقین کیجئے میرے دل میں تمام تماشائیوں کی تالیوں سے زیادہ ایک آپ کی تعریف کی قدر ہے آپ مجھے بنانے لگی مس نرگس میں وہی کہہ رہی ہوں جو میرا دل مجھ سے کہلوا رہا ہے آپ کا کمال مجھے اپنی توجہ کے قابل سمجھ سکتا ہے لیکن آپ کی بے پرواہی شاید مجھے اپنی توجہ کے قابل نہیں سمجھ سکتی
ये आप क्या फरमा रही हैं मिस नरगिस? अगर मेरा ख्याल गलत होता तो पहली मुलाकात के बाद आप मुझसे मिलने के लिए दोबारा होटल में ना आते। मैं अपने नसीबे पर नाज करूंगा अगर मुझे आपकी खिदमत में हाजिर होने की इजाजत मिल सके। इजाजत? आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपका सुबह से शाम तक इंतजार किया करूंगी। मैं इंतजार की घड़ियां गिन गिन कर गुजारूंगी। मुझे हर वो दिन सूना और वीरान मालूम होगा जिसमें आपकी मुलाकात मुयस्सर ना आ सकेगी। अच्छा तो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्यों माली, क्या बात है? बेटा, एक बूढ़े की बात का बुरा न माने तो कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहो। तजुर्बे ने मुझे बताया है कि एक नौजवान की जिंदगी में सबसे खतरनाक वक्त वो होता है कि एक हसीन औरत उसे ये यकीन दिलाए कि वो उसे चाहती है। क्या मतलब? मियां, ये एक्ट्रेस जिसे आप होटल में मिले हैं वो आप पर बहुत जल्द और बहुत ज्यादा मेहरबान हो गई है। तब तो मुझे उसका मशकूर होना चाहिए। मगर साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि इन औरतों की मुस्कुराहट ने कई घरों को तबाह कर दिया है। अरे नहीं बड़े मियां, तुम फिक्र ना करो, मैं अपने बुरे भले को खूब समझता हूँ। जीनत, अभी तक जाग रही हो? मैं आपकी वापसी का इंतजार कर रही थी। क्या कहूँ, गुमान तक न था कि इतनी देर हो जाएगी। हजार चाहा कि पीछा छुड़ाकर भाग आऊं, मगर आता तो जब आखिर कोई उठने देता। गए कहाँ थे आप? मैं एक दोस्त के यहाँ चला गया था। क्या नाम है उनका? अरे वही ना, वो अपने अल्ताफ हुसैन। उन्होंने मुझे खाने पर बुला रखा था, मुझे तो बिल्कुल याद न था, मगर मेरी भूल चूक की आदत का ख्याल करके बेचारे खुद ही लेने को आ गए। वो जो उस वक्त हॉर्न सुनाई दिया था ना, वो उन्हीं की कार का था, बस जैसे खड़ा था वैसे ही को बिठा कर ले गए। अच्छा वक्त गुजरा। नहायत अच्छा, मिक्स डिनर था, कई औरतें भी मौजूद थी, मगर सबके सब शरीफ घरानों की, अदब आदाब और तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ। लेकिन जीनत, उनमें से एक लड़की, उफ क्या चीज थी, चांद का टुकड़ा, बबूका, और तमाम वक्त मेरे ही गिर्द रही, इस तरह कि अगर कोई दूर से देखता तो समझता मुझ पर डोरे डाल रही है। तुम बूझ सकती हो कि मैंने तमाम वक्त तुमसे क्या बातें की, सिर्फ तुम्हारी। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का, मैंने इस ख्याल से थोड़ा ही कहा था, तुम्हारी दिलचस्पी के ख्याल से यूं ही एक बात बयान कर दी। लेकिन ज्यादा देर नहीं हो गई अब? और फिर ये डर भी तो है, कहीं अम्मी जान की आंख ना खुल जाए, कमरे में रोशनी देखकर कहीं इधर आ गई
और इकट्ठे देख लिया तो शामत ही आ जाएगी। तुम जाओ ना, जाके सो रहो। बेटा कभी यहाँ आया तो मैं अब्बा जान से कहूंगी कि उस पर खूब खफा हूँ और उसे अच्छी तरह शर्मिंदा करें कि खुद पर मजे उड़ाता है और बूढ़े बाप से नौकरी कराता है। Well, what's this, नजमा? झाड़ू देना अशराफों का काम नहीं? कम से कम इंग्लिश पान के अशराफ झाड़ू नहीं देते है ना? Nonsense. बाज औकात शरीफों को भी झाड़ू देनी पड़ जाती है। हम तुमसे बात करना नहीं मांगता। ओ, ये बुढ़ा माली है तुम्हारा? I see. कमेला नजमा, बच्चे रजीलों में नहीं उठते बैठते। आपने मुझे जलील इसलिए समझा कि मैं एक गरीब माली हूँ? बात करने से पहले सलाम करना का तमीज होना मांगता है। जिन्हें सलाम कराने का शौक है उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि रसील की पहचान अदना काम नहीं अदना अखलाक है। यू रास्कल, गुस्ताख, तुमको मालूम हम कौन? मालूम होता जा रहा है। हम साहब का रिश्तेदार, हम तुमको नौकरी से ला कराने सकता है। आप अंदर जाइए ना, अपनी साहब बहादुरी यहाँ क्यों बघाने लगे? यू सिली गर्ल, मैं आंटी से जाकर अभी कहता हूँ कि तुम नौकरों में उठती बैठती हो। माली, इन साहब बहादुर के कह का कुछ ख्याल ना करना, ये तो सरफिरे शख्स हैं। लो बस, अब उठो मेरे लिए खिलौना बना। माली, तुमने ये खिलौने बनाने सीखे कैसे? कैसे? जब मेरा बेटा आपकी उम्र का था बीबी, तो ऐसे ही खिलौने उसे भी बना कर दिया करता था। उसी बेटे को जो अब खुद तो आराम से रहता है और तुम्हारी खबर तक नहीं लेता। हाँ, उसी के लिए। वो किस तरह मुझसे उछल उछल कर लिपट जाता और ठनक ठनक कर कहा करता था, छोटी सी आयनक बना दीजिए हमारे लिए। मुझे फुर्सत न होती तो मुझसे रूठ कर अपनी माँ के पास चला जाता और उससे मेरी शिकायत किया करता। शायद मेरी ऐसी ही बेपरवाहियों ने उसके दिल में कभी मोहब्बत पैदा न होनी। तुम तो उदास हो गए माली। मैं तो सिर्फ एक बात समझना चाहता था। गुड आफ्टरनून अंकल। कुछ सुना आपने? इकबाल मियां क्या कह रहे हैं? देखिए अम्मी जान, देखिए अब्बा जान कितनी अच्छी है। आप किस सोच में पड़ गए अब्बा जान? कुछ नहीं, कभी बचपन में मैं भी अपने लिए ऐसी ही अनुभव आया करता।
मुझे तो इस ऐनक में कोई खास बात नजर नहीं आती। कम से कम इंग्लिस्तान में तो हर शख्स ऐसी ऐनक बना लेता होगा। ले चाय तो पी। अरे तेरे इस कान का बुंदा क्या हुआ? बुंदा नहीं है। एलो बस खो डाला ना। मैं कहती नहीं थी कि बच्ची बुंदे ना पहन ना पहन, मगर एक न सुनी। अब तो खोकर चैन आ गया, अब पहनोगी। पहन कर गई कहाँ कहाँ थी तुम? कहीं भी नहीं, मैं तो बस माली ही के पास रही हूँ। नाउ यू सी, मैंने कहा था ना कि बच्चों का नौकरों में उठना बैठना ठीक नहीं होता। आई कैन बेट कि बुंदा चुराया गया है। किसने चुराया? उस बुढ़े माली ने। टू टेल यू द ट्रूथ, मैं जिस वक्त आया मैंने उसी वक्त ख्याल किया था कि माली की नजर बार बार नजमा के कानों पर पड़ रही है। सचमुच? खामखा भी नहीं अब्बा जान, इकबाल भाई तो पहले ही माली से चुड़े हुए हैं। वो उतारता तो पता ना चल जाता मुझे, ये तो यूं ही झूठ बोला करते हैं। चुप रहो। कितने कहेंगे, एक बैठे बिठाए इतना बहुत नुकसान कर दिया, अब ऊपर से बातें बनाने बैठी है। ए नजमी जाओ बेटा तुम अपनी जीनत आपा के पास। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अभी बुंदा माली के पास से निकलवाए देता हूँ। मगर मालूम भी तो हो कि क्यों कर निकलवाओगे? ऐसी बातें कम से कम इंग्लिस्तान में नहीं पूछी जाती। आप तो हमेशा यही चाहते हैं कि नुकसान पर सब्र करके बैठ रहा जाए, पूछ गछ तक न की जाए। आप रहने दीजिए, इकबाल को तय करने दीजिए। देयर यू आर। तौबा है नजमी, तुम्हारे आंसू तो किसी तरह थमते ही नहीं। क्या हो गया तुम्हें? बेकसूर को सब मिलकर सता रहे होंगे। पहले इस बेचारे का बेटा उसकी खबर नहीं लेता, अकल मारी गई है। खालू अब्बा खुद बाहर गए हैं, वो सताने देंगे भला? वेल, हो गया तलाश या किसी जगह और ढूंढना मांगता? नन्नी दीदी मेरे पास बाहर लान में रही या कोठरी में, बुंदा दोनों जगह नहीं। हम ये नहीं जानना मांगता कि बुंदा कहाँ नहीं, हम ये पूछना मांगता कि बुंदा कहाँ है। मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ? अर्ज वर्ज का कोई जरूरत नहीं, बकवास बंद करो और बुंदा निकालो। आपका ख्याल है कि बुंदा मैंने चुरा रखा है? आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एक शरीक शख्स हूँ। हमें तुम पर पहला ही शक था, तुम कमीना और चोर है। क्या कहा, मैं कमीना हूँ या तू कमीना है? शरप यू रश कर, जबान संभाल कर बात करो। छोड़ दे मेरा हाथ। खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाया। ए, ये क्या हो रहा है? देखिए अंकल, ये बुढ़ा चोर मुझे कमीना कहता है। जो किसी पर झूठा इल्जाम लगाए वो कमीना नहीं तो और क्या है? गुस्ताख चोरी और फीना चोरी। पुलिस को बुलाओ। हाँ हाँ पुलिस, वरना बुंदा निकालो। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर सच अर्ज करता हूं कि बुंदा मैंने नहीं चुराया। मेरी बेकसी और आजिजी की खातिर नहीं तो अपने बूढ़े बाप के सफेद बालों को याद करके मुझे पुलिस के हाथों से निंदे कराओ। पुलिस को बुलाओ। ठहरो। वेल, बुंदा मैंने ही चुराया है। तो जाओ लेकर आओ। देखा अंकिल, मैंने कहा था ना कि बुंदा इसी के पास है। तनहा के बचे हुए रुपए जो मैंने अपने कफन के लिए बचा रखे थे, लेकिन इस बेआबरू जिस्म को कफन से ढांपना भी बेसूद है। देखिए अंकल, ये बुंदे की बजाय उसकी कीमत देकर इल्जाम से बचना चाहता है। तुम समझता रुपया हम नहीं लेगा? अब्बा जान,
मिल गया। गुंडा? गुंडा? कहाँ से? जीना तापा के कमरे से। ये कोई दूसरा गुंडा होगा। एक बार रुपया वापस कर दो। माली, क्या हुआ माली? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी मम्मी दीदी, आज तुमने इन सफेद बालों को रुसवाई से बचा लिया। क्या हुआ बाहर? एक देर तुम्हें बूढ़ा साहब के सामने विश्वास कर दिया गया, और क्या हुआ? तो फिर कुछ अफसोस भी जहर कर दिया आपने। बेइज्जती के घाव पर कौन सा लफ्ज मरहम का काम कर सकता है? खुदा के लिए जाकर उससे दो बातें कराइए, उस बेगुनाह का सब्र कहीं मेरे बच्चों पर ना पड़ जाए। मुझे उसे नजरें चार करने की जरूरत नहीं पड़ सकती। ये क्या कर रही हो माली? ये कपड़े क्यों इकट्ठे कर रहे हो? मेरे किस्मत में ठोकरे खाना बाकी है। माली, माली, तुम जा रहे हो? तुम नहीं जा सकते माली, नहीं माली, तुम ना जाओ। मेरी नन्ही बीबी, अब मैं इस घर में मुंह दिखाने के काबिल न रहा, अब मैं इस घर में न रहूंगा। माली, माली, माली। अरे क्या हुआ लक्ष्मी? अब्बा जान कहाँ गए? अब्बा जान कहाँ गए? अरे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अब्बा जान कहाँ गए? तो मैं है। अरे सुनो तो लक्ष्मी, अब्बा जान। क्या हुआ लक्ष्मी? माली जा रहा है। माली जा रहा है? वो शायद चला भी गया हो, उसका दिल टूट गया है। अब्बा जान उसे रोकिए, जाइए वापस ले आइए। मालिक, तुम नहीं जा सकते। तुम जब इस घर में आए थे तो तुमने कहा था कि शरीफ आदमी जिस घर में नौकरी करता है वो वहां से खुद नहीं निकलता, उसका जनाजा निकला करता है। निकल चुका हुजूर, मेरी इज्जत का जनाजा निकल चुका। अब ये बेइज्जत ढांचा इस घर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जो कुछ हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मेरी खातर नहीं तो इस नन्ही बच्ची की खातर माफ कर दो। औलाद तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की भी होगी, उसका ख्याल करके इस मासूम के नन्हे दिल को दुख ना पहुंचाओ। मान जाओ माली, तुम ना जाओ। न जाओ? मेरी मम्मी दीदी, इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ एक तुम हो जिसकी आंखों में पूरे बदनसीब की मोहब्बत आंसू ला सकती है। मैं न जाऊंगा, आज से तुम्हें को अपनी पोती समझूंगा। मरो हसो, हसो। चांद निकल आया नजमी? हाँ अम्मी जान, चांद निकल आया। अब्बा जान वो देखिए चांद। कहाँ? वो कहाँ है बेटी? वो देखिए भजन, वो कहाँ? वो बादल के टुकड़े के साथ वो। ओ अच्छा अच्छा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खुदावंदा, अब तो जिंदगी की शाम हो चुकी है।
मेरा चांद कहां खो गया? तेरा करम इन धुंधली आंखों के लिए कहां सो लिया? रहम कर रब्बुल आलमीन, रहम कर इस कमर पर जो उम्र के बोझ से थक चुकी है, इस दिल पर जो गम के नश्तरों से छलनी हो चुका है। मुझे मेरे बेटे से मिला दे, एक बार, सिर्फ एक बार दूरी से उसकी सूरत मुझे दिखा दे। आमीन। जीना पापा, चांद निकल आया, चलो उठो देखें। उठो भी। नहीं, मैं नहीं देखूंगी चांद। तुम उदास क्यों हो? चलो उठो चांद देखें। उठो भी, अरे चलो। तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा, तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा, तारे हैं मेरे जख्म जिगर इनमें समा जा, तारे हैं मेरे जख्म जिगर इनमें समा जा, तू कौन सी बदली में मेरे चांद है क्या बात है? जीना पापा ने आपका क्या बिगाड़ा है कि ना आप उनसे बोलते हैं, ना उनके कमरे में जाते हैं, आज चांद रात भी आप उनसे मिलने नहीं आए। तुम्हें इससे क्या? आपको रहम नहीं आता उन पर? वो दिन दिन भर आपका इंतजार करती रहती हैं, ना कुछ खाती हैं, ना पीती हैं, रोती रहती हैं। उनसे कह दो मेरा इंतजार ना किया करें। मगर आप
आप उन्हें मना क्यों नहीं लेते जाकर? तुम चली जाओ यहाँ से, मेरे पास मत आया करो। ऐसी बातें आप पहले तो कभी नहीं किया करते थे, मालूम नहीं अब आपको क्या हो गया है। अब तुम जाती हो या थप्पड़ लगाऊं? मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। जब तक आप जीना पापा को मनाने नहीं जाएंगे मैं कभी नहीं जाऊंगी, यहीं बैठी रहूंगी। नहीं जाओगी? बदतमीज कहीं की। अनवर मियां, अपनी छोटी बहन को मार रहे हैं। नरो बच्ची नरो, आपसे ये कहने को कि आपकी जो बातें आपके घर के आदमियों से छिपी हुई हैं, मुझे उनका रत्ती रत्ती हाल मालूम है। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि आपके दिन और रातें कहां और किसके साथ गुजर रही हैं। तुम चुप रहो। मैं अब तक चुप ही था, लेकिन सिर्फ इस ख्याल से कि आप खुद संभल जाएं और अपना चाल चलन बदल दें। वरना क्या कर लेता? जो शायद अब करने पर मजबूर हो जाऊं। क्या कहा? अगर आप अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुल चुके हैं तो आपका भेद आपके माँ बाप तक पहुँचाने में अब कोई ख्याल मुझे रोक नहीं सकता। दूर हो जा और जो जी चाहे कर ले, कोई धमकी मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, समझे? चले जाओ यहाँ से, सुनते नहीं, जाओ। चलो माली चले। बीबी, मैंने सब कुछ सुन लिया है और समझ भी लिया। मुझे पहले ही यकीन था। सब्र कीजिए बच्ची। ईद मुबारक। जीनत कहाँ है? अपने कमरे में कपड़े बदल रही है। मैंने कहा ये सिंगार आखिर कब तक होता रहेगा? आज ऐसी धज निकालना कि अनवर मियां देखकर कल की बजाय आज ही ब्याह पातुल जाए। क्यों भाई, क्यामत लाने की ठान रखी है क्या? अरे बन्नो, निकलोगी बाहर या उधम चहे तुम्हारे दरवाजे पर? ठहरो, यूं खुल चुका दरवाजा, धकेलने से नहीं अपनी तरफ खींचने से खुल जा। सिम सिम बोगरी चिटकनी। बदले बताओ ना। मैं ना बदलूंगी कपड़े। आहा, वो क्यों? आपा जीनत, आपा तुम सब बाहर ठहरे, मैं करती हूँ तैयार। अनवर को एक एक्ट्रेस से मोहब्बत, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों ना बताई? हुजूर, मैं तो बताना ही ना चाहता था, मगर आप अनवर मियां उस एक्ट्रेस के पंजे में इस तरह गिरफ्तार हो चुके कि मैं खामोश न रह सका। यह किस्सा इस हद तक बढ़ चुका है, यही गम जैनब बीबी को घुन की तरह खाया जा रहा है। लेकिन तुमने मेरे बेटे की जिंदगी और मेरे खानदान की इज्जत खतरे में पड़ते देखी और मुझे खबर तक देने की जरूरत न समझी। सिर्फ इस वजह से कि जब एक नौजवान किसी औरत की मोहब्बत में फंस जाए तो उस पर नसीहत कोई असर नहीं करती। लेकिन मैं अनवर का बाप हूँ, नसीहत करने के अलावा मैं उसे हुक्म देने का भी हक रखता हूँ। बेशक, मगर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप हुक्म देने की बजाय नरमी से काम लें। नरमी से? घर में आग लग चुकी है, शोले घर वालों के जिस्म को छू रहे हैं और तुम एहतियात से काम लेने को कह रहे हो? अनवर मियां आ गए।
अनवर इधर आओ। तुम कहां रहते हो आजकल? जिस वक्त भी मैं तुम्हें पूछता हूं तुम घर से बाहर होते हो, और ईद के रोज तुमसे इतना भी ना हो सका कि आधा दिन गुजारने से पहले घर पहुंच जाओ। एक दोस्त यहां चला गया था, वहां कुछ देर हो गई। कौन है तुम्हारा ये नया दोस्त जिसके साथ सारा सारा दिन और आधी आधी रात बसर करके भी तुम्हारा जी नहीं भरता? आप उसे नहीं जानते। जो दोस्त तुम्हें अपने घर से, माँ बाप से, अपने अजीजों से बेपरवाह बना दे, मैं उसे जानना नहीं चाहता। लेकिन ये बहरहाल चाहता हूं कि तुम्हारा ज्यादा वक्त घर पर सर्फ हो। मेरी उम्र के दूसरे नौजवान जितना वक्त घर से बाहर गुजारते हैं मैं उससे ज्यादा नहीं गुजारता। दूसरों से मुझे कोई सरोकार नहीं, तुमको मेरी इजाजत के बगैर आइंदा कहीं बाहर ना जाना होगा। मगर मैंने आज रात एक दोस्त को होटल में खाने पर बुला रखा है। बरस के बरस दिन ईद आती है और तुम ईद की रात घर से बाहर होटल में खाना खाना चाहते हो? मैं दावत दे चुका हूँ इसलिए मजबूर हूँ। तुम्हारी ये फजूल खर्चियाँ रोकने के लिए मुझे तुम्हारा जेब खर्च बंद कर देना होगा। मुझे आज ही अपने अगले महीने के जेब खर्च की जरूरत है। वो तुम्हें हर किस नहीं मिल सकता। आप चाहते हैं मैं एक दोस्त को खाने पर बुलाने के बाद रोकूं और उसकी और अपनी नजरों में जलील हूं? तुमने बुलाते वक्त मुझसे मशवरा ना किया था? बहुत अच्छा, अगर आपने मुझे एक दूध पीते बच्चे की तरह बेबस समझ रखा है तो आप गलती पर हैं। ये भी तो पता लगे कि तू चाहता क्या है। मुझे रुपए की सख्त जरूरत है। कितने रुपए? 50 रुपए। इतने बहुत? मैंने एक दोस्त को होटल में डिनर पर बुला रखा है। अच्छा, तो मैं अपने पास से दिए देती हूँ, जब जेब खर्च मिलते लौटा दीजिए। ठहरो, अनवर को रुपया नहीं मिल सकता। ये एक दोस्त को खाने पर बुला चुका है। रुपया तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमें ये नहीं बताएगा कि होटल में खाने पर किसको बुला रखा है। ये बताने में इसे क्या उजर हो सकता है? मैं बता चुका हूँ, मेरा एक अजीज दोस्त है। मैं तुम्हारे दोस्त का नाम मालूम करना चाहता हूँ। मुझे बताने से इनकार है। क्यों? ये किसी को हक नहीं कि मुझसे मेरे दोस्तों के बारे में सवाल करे। अगर माँ बाप को बेटे से सवाल करने का हक नहीं तो बेटे को भी माँ बाप से रुपया तलब करने का कोई हक नहीं। बहुत अच्छा, अगर आप इस बात पर तुल चुके हैं कि मुझे मेरे दोस्तों की नजरों में जलील करें तो आप अपने को उस वक्त के लिए तैयार कीजिए जब मैं आपको आपके दोस्तों की नजरों में गिराने पर आमादा होता हूं। अच्छा, तुम देख लिया अपने लाडले को? तुम क्यों आई यहां? कोई नश्तर बाकी रह गया था जिसे चबोने के लिए तुम्हारा आना जरूरी था? दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कुछ कहने नहीं आई हूँ, ये देने आई हूँ। रुपए? ये क्या? किसी की दावत के लिए आपको। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अपने वादे के मुताबिक अब 1000 रुपए का चेक लिखिए आप, अगर पूरे तौर पर मेरा हो चुका है। मिस नरगिस, आई डाउट वेरी मच। मैं देखता हूँ वो सिर्फ दिन का वक्त यहाँ गुजारता है। अगर आप ये चाहते हैं तो वो आपकी रात भी यहीं गुजारेगा। That's capital. लेकिन अगर कोई लड़का घर से दिल्ली भर गायब है तो कम से कम हिंदुस्तान में यही समझा जाता है कि वो घर वालों के हाथों से निकल गया। तो मैं आज ही जाकर मालूम करता हूँ उसका दिन दिन भर घर से गायब रहने का असर उसके घर वालों पर क्या पड़ रहा है। अंदर साहब आ रहे हैं। आई मस्ट बी ऑफ। मैं क्या करूं? मत खोलो तुम। आने को दुकाने में चले जाओ। जल्दी जल्दी। कहिए मिस नरगिस,
आप तैयार हैं? बल्कि बेकरार, शायद आप आएंगे या ना आएंगे। कभी ऐसा हो सकता है, तो आइए चलें। चलिए। मुझे एक और जरूरी बात भी कहनी थी आपको। इकबाल लिया, चुप क्यों हो गए? कुछ कहो भी। क्या कहूं आंटी, मुझे तो अनवर की हालत पर बड़ा अफसोस होता है, और साथ ही बिचारी जीनत पर, जाने उसका क्या होगा। ये सब देखते हुए भी अगर आप जीनत को अनवर के हाथों सौंपना चाहें तो आप खुद समझदार हैं। वैसे तो मैं भी इंग्लैंड रिटर्न हूं, नौजवान हूं, खूबसूरत हूं, आप खुद समझदार हैं, मैं क्या कह सकता हूं। हाँ, मैं सब समझती हूं, मगर इस बात का फैसला खुद जीनत को करना होगा। लेकिन अगर आपने अनवर की बातें जीनत से छिपाई और मेरा जिक्र उनसे ना किया तो? जीनत मुझे अपनी नजमी की तरह अजीज है, तुम इत्मीनान रखो, मैं आंखों देखते उसे कुएं में नहीं धकेल सकती। तो आप मेरे बारे में जीने से बातें कर लीजिए, कल उनका और आपका फैसला मालूम करने हाजिर हूंगा। क्या हो? मैं अपना फैसला इसी वक्त सुनाने को तैयार हूँ। गुड इवनिंग माय डियर कजन। तुमने जो कुछ अनवर के और अपने मुतालिक कहा, मैंने उसका एक एक लफ्ज़ सुन लिया है। देन आई एम श्योर कि तुम इसी वक्त मुझे ये मौका बख्शोगी कि मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझूं। मेरी तबीयत का तुमने बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया है। मुझे अनवर से मोहब्बत थी, है और हमेशा रहेगी। बट अनवर जिस तरह यकायक बदल गया, उसे देखते हुए भी। महबूब के बदल जाने से मोहब्बत करने वाले का दिल नहीं बदल जाता। कम से कम हिंदुस्तान की लड़कियां ऐसी नॉनसेंस बातें नहीं करती। लेकिन हिंदुस्तानी लड़की सिर्फ एक ही बार मोहब्बत करती है, और मोहब्बत में जल जल कर मर जाने को अपनी मोहब्बत की जिंदगी समझती है। नरगिस, आज की रात तुम्हारी खूबसूरत आंखों की मस्ती मुझे ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया को मस्त कर रही है। ये तुम्हारी मोहब्बत का नशा है जो मेरी आंखों से जाहिर हो रहा है। तो अपनी मोहब्बत का खजाना मुझे हमेशा के लिए दे डालो, मुझसे शादी करके मेरी हो जाओ। फिर वही बात है, आप तो बहुत जल्द घबरा जाते हैं। जल्दी चलिए, पिक्चर शुरू हो गई होगी।
रसूल से यहां उठा लाए और हमें भी रात भर परेशान किया। आपको चाहिए था टक्कर हो जाने के बाद वहीं घर छोड़ आते। लेकिन मैं ये चाहती थी कि ये एक रात यहां पे बसर करें। क्यों, इससे आपको क्या फायदा हो सकता है? अरे तुम तो हो बेवकूफ। मिस्टर आईबॉल ने वादा किया था कि अगर ये एक रात यहीं बसर करे तो वो 1000 रुपए अदा कर देगा। अब मैं उससे 1000 रुपए वसूल करने की हकदार बन गई हूँ। कौन? मिस नरगिस, तुम ही हो? जी हाँ, आप कौन है? मेरा बेटा अनवर कहाँ है? आपने उन्हें मेरे सपुर्द कर रखा है जो मुझसे पूछ रहे हैं? वो पिछली सारी रात घर नहीं आया। लेकिन जब उन्हें घर वालों की याद बेकरार कर देगी तो वो खुद ही घर पहुंच जाएंगे। तुम्हें मालूम है कि अनवर मेरा एक ही बेटा और मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। उसे मुझसे छीनकर तुम्हें इसके सिवा और कुछ हासिल नहीं हो सकता। तुम्हारे चाहने वालों में एक चाहने वाला और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैंने उसे खो डाला तो मेरे लिए जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहता। रहे या ना रहे, मैं इसकी जिम्मेवार नहीं। आप ये चाहते हैं कि आपके लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? जो चीज तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना और मेरे लिए जिंदगी का सहारा और बुढ़ापे का आसरा है, उसे बेदर्द बनकर मुझसे छीनने की कोशिश ना करो। आप भूलते हैं, मोहब्बत छीनी नहीं जीती जाया करती है। मैं अपनी हार मानता हूं और तुमसे अपने और अपने खानदान के लिए रहम मांगने आया हूं। लेकिन अगर मेरे लिए ये किसी तरह मुमकिन ना हो तो जो चीज तुम बख्श नहीं सकती उसे मेरे हाथ दे डालो। भला सुनो तो कि किसी का दिल तोड़ने की कीमत आप क्या ठहराते हैं? मैं तुम्हारे लिए एक चेक लिख कर साथ लाया हूं। मेरी जिंदगी उजाड़ डालने की कीमत सिर्फ 2000? आप बहुत संगदिल मालूम होते हैं। अनवर मुझसे जितना जेब खर्च पाता है उसमें से इतनी रकम वो शायद एक साल में भी तुम्हारी नजर ना कर सके। आप शायद ये समझे बैठे हैं कि मैं अनवर के दिल की नहीं उसके बटवे की तलबगार हूं। मैं 3000 रुपया तुम्हारी नजर कर लूंगा। आपने दिलों के मेल को बच्चों का खेल समझ देखा है। 4000 रुपया। काश आप मेरा सीना चीर कर देख सकते कि मेरे दिल में अनवर की मोहब्बत कितनी गहरी उतर चुकी है। पांच हजार से ज्यादा देना मेरे लिए किसी तरह मुमकिन नहीं। एक टूटे हुए दिल को इस दुनिया की दिलचस्पियां 20000 से कम में नहीं बहला सकती। अगर तुमने मुझे लखपति समझ रखा है तो तुम गलती पर हो। ग्राहक लखपति हो या फकीर, दुकानदार सिर्फ माल की कीमत बताता है। अगर तुम्हारे दिल में एक मर्द का दुख रहम पैदा नहीं कर सकता तो एक माँ की ममता पर तरस खाओ। लेकिन मेरा हक चाहने वाला एक माँ रखता है। बहुत अच्छा, मुझे तुमसे इसके सिवा और कुछ नहीं कहना कि जिस खुदा ने मेरी गोद एक बेटे से आबाद की उसकी बे आवाज लाठी
एक दुखियारे बाप के आंसू अकारत न चले जाने देगी। मिस नरगिस, ये तुमने क्या किया? 5,000 की रकम तुमने यूं ही छोड़ दी। जो शख्स 5 मिनट में 5,000 तक जा सकता है, वो सोच विचार के बाद 20,000 भी अदा करने पर तैयार हो सकता है। अच्छा तो अनवर के ले जाने को कार मंगा लूं? अभी रहने दो। अनवर का बाप अगर दोबारा ना आए तो तुम टेलीफोन पर उससे खुद बात करना, और देखो और रकम खींचने की कोशिश करो। मुझे किस बात का डर नरगिस के दरवाजे पर खींच कर ले गया था? मैं समझता था आप ज्यादा मजबूत दिल के मालिक होंगे। ये बीमार दिल बहुत कुछ सह सकता है, लेकिन इसे एक सवाल, सिर्फ एक सवाल ने बेचैन कर रखा है। किस सवाल ने? बुजुर्गों के खून का असर औलाद और औलाद की औलाद में तो नहीं पहुंचता। क्यों पूछते हैं आप? मेरे दिल का इत्मीनान, मेरी रूह की तशफी, मेरा सब कुछ इसी सवाल के जवाब पर मौकूफ है। सिर्फ इस सवाल के जवाब पर? तुम इसका जवाब दे सकते हो? हाँ, मैं कह सकता हूं कि बुजुर्गों के खून का असर औलाद और औलाद की औलाद में नहीं पहुंचता। तुम ये क्यों कर कहते हो? पहुंचता तो आज मेरा बेटा खुशहाली और इज्जत की जिंदगी न बसर कर रहा होता। तुम्हारा बेटा खुशहाल और बाइज्जत है? सुनता हूं तुम्हारे खून के असर से उसे क्या बनना चाहिए था? सुन सकेंगे? क्यों नहीं, सुनकर मुझे अपने कदमों से झुका तो न कर देंगे? हरगिज नहीं। तो सुनिए, मेरे खून के असर से उसे भी ये खूनी मुजरिम बनना चाहिए था। खूनी? और तुम खून कर चुके हो? दो इंसानों का खून। दो इंसानों का खून? खुदा की तरह। और तुम आजाद फिर रहे हो? मैं अपने जुर्म की सजा में सारी उम्र का रह चुका हूं। तुम कौन हो? मैं हाँ, मैं अमजद बोल रहा हूं। कौन? मिस नरगिस का मैनेजर? आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मगर मैंने जो रकम पेश की थी वो मिस नरगिस ने रद्द कर दी। जी हाँ। नहीं, इससे ज्यादा रकम पेश करना मेरे लिए किसी तरह मुमकिन है। मिस नरगिस को मेरी मुसीबत पर रहम आ गया। वो क्या चाहती हैं? जरा जोर से बोलिए, कितने रुपए? लाइए मुझे दीजिए। क्या 5,000 रुपए? उनसे कह दीजिए 5,000 रुपए तो क्या, हमसे उन्हें 5,000 पैसे भी नहीं मिल सकते हैं। ये हमारा आखिरी फैसला है। जो कुछ उनसे हो सके वो कर ले, और जो कुछ हमसे होगा हम कर लेंगे। जिसकी मोहब्बत में ज्यादा तासीर होगी अनवर उसी का हो रहेगा। हाँ, मेरी मोहब्बत अपनी तासीर खो बैठी। क्या हुआ? मेरे एहसानों का मुझे ये इनाम मिल रहा है। एहसान? तुम बेचारे किसी पर क्या एहसान कर सकते हो? नरगिस, अगर मैं तुम्हारे भेद न छुपाऊं, तुम्हारी धोखाबाजी और मक्कारियों पर पर्दा न डालूं, तो तुम्हें दुनिया में रहना मुश्किल हो जाए। तुम जैसे कुत्तों के भौंकने की मैं कब परवाह करती हूँ? अच्छा तो मैं अभी अनवर से मिलकर तुम्हारा तमाम भाड़ा फोड़े देता हूँ कि तुम मोहब्बत के पर्दे में उससे मक्कारी कर रही हो, और उसे फांसने के लिए तुमने इकबाल से 1,000 रुपया लेने का वादा ले रखा है। ठहरो तो, जरा सी बात पे रुठ गए। वाह, पहले बेइज्जती कर ली और अब लगी प्यार करने। सुनो तो, सुनो। वादा रहा था? हाँ, वादा। अच्छा तो लो,
अब तुम नवाब साहब के घर जाओ और वो जो परसों रात वाले रुपए बाकी रह गए थे ना वो ले आओ। जाओ शाबाश जाओ। हेलो मिस नरगिस, हाउ डू यू डू। आहा, ये सूट पहनकर तो आप बहुत जच रहे हैं। क्या जचना वचना मिस नरगिस, लाख सूट पहनूं आप पर तो कुछ असर ही नहीं होता। अजीब टाइप है आपका, कम से कम इंग्लिस्तान में ऐसा नहीं होता। तो क्या अब जीनत का ख्याल आपके दिल से निकल गया जिसे आप अनवर से छुड़ाना चाहते हैं? जीनत की नहीं बल्कि जीनत की जायदाद की फिक्र है। रहा आपके बारे में, वो तो गुसलखाने ही में दिल दे बैठा था। लेकिन आपने मुझे तो अपनी मोहब्बत कभी नहीं जाहिर की। क्या मोहब्बत जाहिर करता मिस नरगिस, आप तो शुरू ही से अनवर के फंदे में फंसी हुई हैं। वाह, आपने खुद ही तो मुझे अनवर को उल्लू बनाने के लिए कहा था। दैट्स राइट, मगर अब सब्र नहीं होता मिस नरगिस। वैसे तो मैं भी इंग्लैंड रिटर्न हूँ, नौजवान हूँ, खूबसूरत हूँ। वैसे आप भी समझदार हैं मिस नरगिस, मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ, यानी मेरा मतलब है। हाँ हाँ, मैं समझ गई। बिल्कुल वही, आप बड़ी समझदार हैं मिस नरगिस, मैं क्या अर्ज करूं। इसी खुशी में आज की रात किसी शानदार होटल में, मेरा मतलब है आप समझ गई होंगी मिस नरगिस। आ तो चलिए ना। ठहरो, संग दिल हर जाई और दगाबाज भाई, तुम्हारी साजिश की कहानी मेरे कानों ने खुद तुम दोनों की जबानी सुन ली। और तुम कमीनी रंडी, आखिर रंडी ही निकली, तुम्हें मुझे तबाह करने की कीमत अदा करनी होगी। खबरदार, इट्स ओके। मैं सोच भी ना सकता था कि अनवर का दिल अपने माँ बाप से यूं फिर सकता है। काश आपने ये जिक्र अनवर मियां से न छेड़ा होता। घर भुकता हुआ देखता और हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता। एक ऐसे ही मौके पर किसी नौजवान के अजीज हाथ पर हाथ धरे न बैठ सके थे, लेकिन हुजूर उन्होंने अपना घर बचाने की कोशिश में उस नौजवान तक को फूंक डाला था। उस नौजवान को भी किसी बाजारी औरत से मोहब्बत थी। जिस मुल्क में हुस्न बिकने के लिए दुकानों पर सचकर बैठता हो, वहां जवानी में किसी का बेराह हो जाना अनोखी बात नहीं। उस नौजवान के दिल से भी बाप का अदब और माँ का लिहाज इसी तरह उठ गया था। वो सिर्फ बीवी और एक बच्चा रखता था। अल्लाह ताला ने उसके माँ बाप को उसकी बर्बादी से पहले उठा लिया था। उस नौजवान का अंजाम क्या हुआ? जब उस पर घर की मोहब्बत ने अपने दरवाजे बंद कर दिए और बेवफा बेसवा ने उसके इश्क को ठुकरा दिया, तो बदनसीब नाउम्मीदी में मुजरिम बन गया। मुजरिम? तो वो बाजारी औरत उसकी मोहब्बत की कदर न कर सकी। हुस्न के बाजार में मोहब्बत का खोटा सिक्का नहीं चलता, वहां सिर्फ सोने और चांदी से काम निकलता है। सोने और चांदी से? तो ये डायने अपने चाहने वालों के बदकिस्मत बापों से सोना और चांदी मांग क्यों नहीं लेती? उनके बच्चों की जिंदगियां उजाड़ने पर क्यों तुल जाती हैं? शिकारियों को परिंदे बाजार से खरीद कर नहीं, अपनी बंदूक से गिराकर लुत्फ आता है। जाती हूँ मैडम। ये क्या रास्ता रोककर बैठी हो? कोई और जगह नहीं थी तुम्हारे खेलने? नहीं बिल्ली, एक तो राम बलराम रहते हैं, फिर तो रोक दिखलाते हैं। क्या कहा?
खुदाया मेरी बेबसी पे तरस खा, तेरे सिवा कौन है जो मेरे दुख में मेरा साथ दे। जिंदगी का सहारा सिर्फ अनवर थे, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया, अब तेरी ही दरगाह में इल्तिजा है, अपनी रहमत से मेरी मदद कर। क्या हुआ नजमी? उठो नजमी, उठो, क्या हुआ तुम्हें? बड़े आए मारने वाले। किसने मारा तुम्हें? अनवर भाई ने मुझे बड़े जोर से मारा है। आज इतनी जल्दी आ गए? अजीब पागल से नजर आ रहे हैं, आंखों से वहशत बरस रही है। है कहाँ? अपने कमरे में। हाला जान से उनकी शिकायत ना करना। आए? अच्छा तब तुम सो रहे हो। मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? उन्होंने पिस्तौल निकाल लिया है, न जाने क्या करने पर तुले हुए हैं, अजीब परेशान से नजर आ रहे हैं। उठो जल्दी चलो माली। नरगिस आ गई हैं? और कौन है उनके साथ? कौन? पिस्तौल? अच्छी बात। माली, ये खतरनाक जोशीले हाथों के लिए नहीं है। लगे बेवकूफ, छोड़ मेरा हाथ। अरे आप पिस्तौल छोड़िए। नहीं छोड़ेगा? मैं कभी नहीं। छोड़, हट जाओ। मर जाऊंगा तभी ना छोड़ूंगा। कभी नहीं, छोड़ दो, हट जाओ। हरगिज नहीं। अनवर, ये क्या हो रहा है? अभी ये क्या हो रहा है? हुजूर, अनवर मियां ने पिस्तौल निकाल लिया था, मैंने उनसे जबरदस्ती छीन लिया। अनवर ने पिस्तौल निकाल लिया था, क्यों? उनका इरादा खौफनाक नजर आ रहा था। या रब, तेरी यही मंशा है कि जो सख्त जान अपने बाप के पहुंचाए हुए दुख सह गई, वो आप औलाद के दिए हुए दागों से तमाम हो। मेरे हुजूर, इतनी नाउम्मीद न होजिए, दुनिया उम्मीद पर कायम है। होगी, लेकिन हर पल मुझे अपनी उम्मीदों से ज्यादा दूर किए दे रहा है। नाउम्मीदी गुनाह है। आसमान के किसी फरिश्ते ही की इमदाद मुझे इस गुनाह से बचा सकती है। अपनी मदद आप खुद भी कीजिए। लीजिए ये पिस्तौल। ये पिस्तौल, काश ये हमारे खानदान में ना आया होता।
आपके खानदान में ये पिस्तौल आपको किसने दिया? बदनसीबी ने। वो शख्स कौन था जिससे आपने ये पिस्तौल पाया? वो शख्स एक खूनी बदचलन, एक बेवफा खामिन, एक संगदिल बाप। संगदिल बाप? किसका बाप? मेरे हुजूर, मेरे आका, किसका बाप? तुझे इससे क्या? मेरे हुजूर, तबीयत कैसी है? मगर अनवर कहाँ है? अपने कमरे में होंगे हुजूर। कमरे में? वो घर ही में है। मगर इससे क्या? उसका दिल, उसकी रूह मेरे घर में नहीं, वो वहीं है, उसी एक्ट्रेस के कदमों में। खुदाया, कोई नहीं जो मेरे बेटे को शौहरत की गुलामी से आजाद करा सके। हुजूर, आप आराम से सो जाएं। खुदा ने चाहा तो अनवर मियां उस एक्ट्रेस के फंदे से बहुत जल्द छूट जाएंगे। झूठी तसल्लियां बेकार हैं, उसका छुटकारा किसी तरह मुमकिन नहीं। मेरे हुजूर, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। कोई नहीं जो मेरे लिए नामुमकिन को मुमकिन बना सके। ये आप नहीं जानते, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाजुओं में इस रात की सुहानी याद मेरे दिल में हमेशा कायम रहेगी। नरगिस, हमारी मोहब्बत की हर रात, बॉलरूम के डांस, शराब और ऐशो शरत में गुजरा करेगी। ये जिंदगी जिसकी मुझे अब तक कद्र ना थी, तुम्हारे मिलने से एक खुशनुमा सपना बन गई। हाँ, ऐसा सपना जिसको पाकर हमें दोजख और जन्नत दोनों की परवाह न रहेगी। मैं समझूंगी जो मेहनत मैंने अनवर पर की उसका इनाम मुझे तुम मिल गए। गमार और जान जीनत के बदले तुम सी फैशनेबल लड़की मिल जाना मेरी बड़ी खुशकिस्मती है। तो आओ, हाथों में हाथ और आंखों में आंखें डालकर बैठे और अपनी नई मोहब्बत की इस पहली रात को जितना सुहाना बना सकते हैं बनाएं। मोहब्बत की रात को सुहाना बनाने वालों,
तुम्हारी जिंदगी की रात तमाम हो चुकी है। तू हट जा सामने से। बाजी छोड़, नहीं तो तेरा भी खून बहा दूंगा। छोड़ दे चाकू बदमाश। छोड़ मेरा हाथ। यू रास्कल। छोड़ दे नहीं तो ये। छोड़ मेरा हाथ गुंडा। छोड़ दे चाकू। छोड़ मेरा हाथ। छोड़ दे चाकू। बड़ा सूरमा बनकर आया था। Come on, darling. You don't worry. चाकू लेकर आए थे मुन्ने मियाँ। ऐसी खतरनाक चीजों से खेलने की इजाजत अम्मा जान से मिल जाती है। उन्हें खौफ नहीं मालूम होता कि कहीं लाडले की उंगली न कट जाए। बेवफा दलील रखता। बिते हुए कुत्ते की तरह उस वक्त तक चुपचाप पड़ा है जब तक पुलिस आकर इन चाकू चलाने वाले हाथों में अटकली न डाल दे। खबरदार। खानदान के इस नौनिहाल के हाथों में हथकड़ी तू लगवाएगी। बाजार की नागिन, ये पुराना जिस्म एक तेरी बहन के जहर से जिंदगी भर तड़पता रहा है और अब उसके खून की आखिरी जिंदा बूंद में तू जहर उगलना चाहती है। नौजवानों की जिंदगी, माँ और बापों की राहत, खानदान की शराफत को मिट्टी मिलाने वाली इस वक्त तेरी जिंदगी इस बूढ़ी उंगली के एक इशारे पर खत्म है। अरे खून हो गया, मैनेजर साहब खून हो गया, मैनेजर साहब खून हो गया, 10 नंबर कमरे में मैनेजर साहब खून हो गया, मैनेजर साहब खून हो गया। कहाँ? 10 नंबर कमरे में। 10 नंबर में? जी हाँ, नरगिस मीम साहब के रूम में। ये क्या हुआ? हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। माली, साहब इसी कमरे में से आवाज आई है। इस कमरे में इसको तो किसी ने शूट कर दिया। ये तो मर चुकी हैं। इनके साथ और कौन कौन रहता है? इनके साथ इनका एक मैनेजर भी है और भी बहुत से लोग मिलने के लिए आते हैं क्योंकि ये खुद डांसर है। वेल डन वेल डन, आप लोग बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंच गए। कम से कम इंग्लिस्तान में पुलिस कत्ल के मौकों पर ऐसे पहुंच जाती है। हा? गिरफ्तार कर लिया उन्हें? कहां है वो? हमें चकमा देते हो? व्हाट चकमा? ये चाले यहां नहीं चलेंगी, हथकड़ी लगाओ। What do you mean? Hey, क्या करता है? छोड़ दो nonsense, क्या करता है? Shut up! Slowly, slowly, slowly. बीबी लीजिए, ये हैं आपके अनवर मियां। अब ये सिर्फ
आपके हैं। के हाथ में पिस्तौल क्यों था? माली क्या क्या हुआ? माली माली अनवर क्या हुआ? क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? माली माली देखिए परम, माली के सीने से खून निकल रहा है। माली ये पिस्तौल तुमने चलाया था? नरगिस के बाद अपने आप पर। नरगिस के बाद ठंडी लाश अब मेरे प्यारों को कोई दुख नहीं पहुंचा सकती। तुमने अपनी जान देकर मुझे इस मुसीबत से बचाया। कुछ कीजिए इनके लिए, डॉक्टर को बुलवाइए। मौत का सियाहू जिंदगी के दरवाजे पर दुखने टेक चुका है। चंद सांस बाकी है, उसे न रोको, उसे आसानी से निकलने दो। मेरे बूढ़े माली, मेरे मेहरबान दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे बाप। बाप? मुझे बाप किसने पुकारा? सचमुच तू मुझे बाप कैसे पुकार सकता है? माली मैं अपने आप को खुश नहीं समझता। अगर तुम मेरे बाप होते तो ये अपने बाप को माफ कर। अक्सर तुम कौन हो? एक खूनी है यार, बेवफा शौहर, तुम्हारा संगदिल बाप। मेरा बाप? हाँ, बदबूती अकबर दादा। मेरे दादा? दादा जान। प्यारे अकबर। दादा जान। नजमी अब तुम्हारा मालिक बहुत दूर जा रहा है, जहां तुम्हारी नजरें नहीं पहुंचती मगर दुआएं पहुंच सकती हैं। मेरे दादा, मेरी नजरें तुम तक नहीं पहुंच सकती लेकिन मेरी दुआएं तुम तक जरूर पहुंचती होंगी और हमेशा पहुंचती रहेंगी। और जब तक आपके खानदान में से एक भी नाम लेवा मौजूद है
उसकी दुआएं हमेशा आप तक पहुंचती रहेंगी।